हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ केआर टाइगर्स वर्सेस केटी विज बेसबॉल मैच के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। साथ ही साथ बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में। और दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन। आइए मैं टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको ग्रैंड लीग की 6 टीमें मिलने वाली है। तो हम इसको ओपन करेंगे दोस्तों। तो जो हमारे सामने ग्रैंड लीग है, इसकी टीम आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इसकी फाइनल टीम के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक एंड डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, बात कर ली जाए कि किस टीम ने कितने मैच खेले हैं, कितने मैच हारे हैं। तो सबसे पहले बात करूँगा केटी विज के बारे में। तो दोस्तों, इस लीग की सबसे अच्छी टीम है फिलहाल अभी तक, जिन्होंने अभी तक 97 मैच प्ले किए, जहाँ पर 59 में विन और 38 में लॉस का सामना किया। तो पता चल रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छी खासी टीम है और इस टीम से मैं काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर उठाकर चल सकता हूँ। और मैं वही बात करूँ केआर टाइगर्स के बारे में, तो दोस्तों ये यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, थोड़े नीचे करती है, जहाँ पर इन्होंने 89 मैच प्ले किया, जहाँ पर 37 में विन और 52 में लॉस का सामना किया है। तो पता चल रहा है दोस्तों, जो केटी विज है वो ज़्यादा अच्छी खासी टीम है केआर टाइगर्स से। तो दोस्तों, इस मैच के जो कॉम्बिनेशन होने वाला है वो आप 6-3 का ट्राई, 3-6 का ट्राई कर सकते हैं। केटीवी से 6 प्लेयर और दोस्तों केआर टाइगर से 3 प्लेयर। इस मैच का दोस्तों स्मॉल लीग के लिए सबसे बेस्ट, दोस्तों सबसे बेस्ट चॉइस है आपके लिए। बाकी 4-5 और 5-4 के आपको कॉम्बिनेशन टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, ये आपकी ग्रैंड लीग के लिए होंगे। तो आपको फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर 3 और 6 का ही कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। बाकी दोस्तों, कैचर में हमारे पास मिलसी का भी ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर 4-5 का कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, मैं 3-6 का ही कॉम्बिनेशन ज़्यादा ट्राई करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मैं ड्रीम टीम, तो उससे पहले प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उससे मोटिवेट होकर मैं आपकी अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी टीम पर टेलीग्राम पर। तो दोस्तों, हम इसको ओपन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी टीम लिए किस ऑफ़फील्डर, किस इनफील्डर, किस कीचर, किस कैचर, इन सभी के बारे में इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करें वोंजुन के बारे में। तो दोस्तों, वोंजुन काफ़ी अच्छे खासे प्लेयर इस लीग के, जो कि है टाइगर से है। दोस्तों, मैं इनको अपनी टीम में जरूर लेना चाहूँगा, क्योंकि इनसे अच्छा ऑप्शन मेरे लिए नहीं इनकी टीम से, जहाँ पर पिछले मैच में उन्होंने 10 पॉइंट कवर किए थे। उन पॉइंट सिस्टम को देखते हुए मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आज की मैच का जो परफॉर्मेंस होगा वो आपको ड्रीम टीम में देखने को मिल सकता है। हाँ जो दोस्तों, 8 पॉइंट मैच पिछले मैच में कवर किए थे, तो काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस था दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ, 4 पॉइंट भी कवर कर रहा है बेसबॉल मैच के अंदर, तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, क्योंकि दोस्तों हर प्लेयर को मौका नहीं दिया जा सकता। एक टीटन का मैच भी समझ सकते हैं दोस्तों। जोंगडाए बहुत अच्छे खासे प्लेयर दोस्तों, आज के मैच में इनको वॉइस कैप्टन ट्राई करने वाला हूँ। आप चाहे तो वॉइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है। उनको परफॉर्मेंस को देखते हुए हम इन्हें अपनी टीम में काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पर लेकर भी चल सकते हैं। तो आप चाहते हैं तो इन्हें कैप्टन और वॉइस कैप्टन की जगह दे सकते हैं। दोस्तों, मैं बात करूँ ह्यूंग वू के बारे में, तो ह्यूंग वू दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छा चॉइस है एज अ प्लेयर। बाकी दोस्तों, कैप्टन और वॉइस कैप्टन की चॉइस होगी, मैं इनकी बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूँ अपनी ग्रैंड लीग की टीम्स में भी। बाकी दोस्तों, एज अ प्लेयर तो मैं इनको अपने कम से कम भी 3 से 4 टीमों में लेकर चलने वाला हूँ, क्योंकि जिनका सिलेक्टेड परसेंटेज होगा वो आपको काफ़ी कम देखने को मिलने वाला है। इनफील्डर दोस्तों, बैको सबसे बड़ा प्लेयर दोस्तों, इस मैच का सबसे बड़ा प्लेयर दोस्तों, पिछले मैच उसको डाउन जरूर है, लेकिन उसके पीछे आप देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस देख के आप कायल हो जाएंगे इनके। तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हैं, जहाँ पर 80% मैचों में ड्रीम टीम में रहते हैं और लगभग हर मैच में कुछ ना कुछ तो स्कोर करके जाते हैं। तो बैक वो दोस्तों आज के मैच में कैप्टन ट्राई करने वाला हूँ। तो दोस्तों, फाइनल टीम या टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और टीम के बारे में आपको 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात और दोस्तों, जो फाइनल टीम होगी वो आपको स्टैट निकाल कर दूंगा, एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस करने के बाद ही आपको फाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा टेलीग्राम पर। तो आप टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। जाएगी उनके बारे में मतलब दोस्तों, तो जाएगी उनका जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच में डाउन जरूर था दोस्तों, उससे पिछले मैच आप देखेंगे कि जो इनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा खासा है। और इस मैच में दोस्तों इनका परफॉर्मेंस डाउन रहा है, तो मतलब जो इन मैच का जो क्या कहते हैं सिलेक्टेड परसेंटेज हुआ, इन्हें काफ़ी कम आपको देखने को मिलने वाला है। इसलिए मैं इस प्लेयर को अपनी टीम में लेकर चलूँगा, क्योंकि एक दो प्लेयर ऐसे भी होने जरूरी है कि हम सभी प्लेयर मेजोरिटी पर नहीं उठा सकते। इसलिए दोस्तों, एक दो प्लेयर ऐसे उठा के चलेंगे जिनका सिलेक्टेड परसेंटेज कम हो और जिससे हमारे जीतने के चांस कुछ बढ़ जाए। पिछले दोस्तों आपके लिए यूंग वॉक काफ़ी अच्छी चॉइस है, क्योंकि इससे बड़ी चॉइस फिलहाल हमारे लिए नहीं है। और पिछले चॉइस में आप खुद समझ सकते हैं कि अच्छी अच्छी काश बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों, आपके लिए अच्छी काश एक और भी थी, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। डुंग सोंग भी आपके लिए काफ़ी जरूरत है, दोस्तों पिछले मैच से प्ले ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरा मन है कि आज के मैच में प्ले ना कर पा रहे हो। इसलिए दोस्तों, मैं गेम को ही अपनी टीम में एज अ कैचर पिचर ट्राई करने वाला हूँ। कैचर के दोस्तों आपके पास 2 चॉइस है, मिनसिक और श्योंगू। शोंगू दोस्तों 18 पॉइंट कलेक्टे थे पिछले मैच के अंदर, इसलिए मैंने उनको अपनी टीम के लिए उठाया। और दोस्तों, जो मिलसिक, उन्होंने शायद 11 पॉइंट कवर किए थे अपने पिछले मैच के अंदर, तो इनको भी दोस्तों आप अपनी टीम में काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पर लेकर चल सकते हैं, प्ले का मौका दिया जाएगा तो। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ कैप्टन वॉइस कैप्टन के बारे में। तो कैप्टन चॉइस दोस्तों मैंने आपको बता दिया बेखो, इससे बड़ी चॉइस दोस्तों इस मैच में नहीं होने वाली एज अ कैप्टन के लिए। और वॉइस कैप्टन दोस्तों जोंगडाए, आप दोस्तों चेंज कर सकते हैं, कैप्टन जोंगडाए को ट्राई कर सकते हैं और वॉइस कैप्टन बेखो ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेजोरिटी लेवल पर देखें तो बेखो काफ़ी अच्छे खासी प्लेयर है, लेकिन दोस्तों काफ़ी अच्छा जो परफॉर्मेंस लगातार 3 मैच वो जोंगडाए कर
रहे हैं, तो जोंग डाई को अपनी अपनी टीम में काफ़ी अच्छी खासी पोजीशन पर लेकर चल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए लाइक कर दीजिए, प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।